वक्त सिटी हॉस्पिटल कचरोट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आज जो नलतर में वाकया पेश आया है, दिलखराश वाकया, गिलगित से नलतर बाला जाने वाले मुसाफिर वैन पर नलतर पाइन में नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई है। गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद इस वाकये में जाबाँक हो गए हैं, जबकि 8 अफराद वाकये में ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिनमें से 4 के करीब ज़ख्मियों को इस वक्त सिटी हॉस्पिटल गिलगित मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर इस वक्त ज़ख्मियों को इब्तदाई इमदाद दी जा रही है। दूसरी तरफ SSP गिलगित के मुताबिक मुसाफिर वैन गिलगित से नलतर बाला की तरफ जा रही थी, जिसको नलतर पाइन में फायरिंग का निशाना बनाया गया है और इस वाकये में 5 अफराद इस वाकये में जाबहक हो गए हैं और 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को सिटी हॉस्पिटल गिलगित मुंतकिल किया गया है और यहाँ पर लोगों का एक जमा गफीर है। खून का एहतियात देने के लिए लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं। ज़ख्मियों को इब्तदाई इमदाद के लिए उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया जा चुका है। यहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं और ज़ख्मी यहाँ इस वक्त इनको इलाज मुआलजा किया जा रहा है और डेड बॉडीज़ भी इस वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल की गई हैं। SSP गिलगित के मुताबिक ये वैन, मुसाफिर वैन गिलगित से नलतर बाला की तरफ जा रही थी, जिसको नलतर पाइन के मकाम पर फायरिंग का निशाना बनाया गया है। मेहताबुर रहमान, बादशुमार TV, सिटी हॉस्पिटल गिलगित।